हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगी। आज हम खेलने लगे रिडल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो वीडियो शुरू करने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज मेरी वीडियो का जो मेरी वीडियो का टारगेट है वो है 200 लाइक चाहिए मुझे। 200 लाइक, इतना ज़्यादा भी नहीं, 200 लाइक है बस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दिया नहीं किया ना, जाके पहले सब्सक्राइब करें फिर वीडियो देखना। हाँ कर दी, हाँ ऐसे करना है। चले सही, वीडियो शुरू करते हैं। 15 फ्लोर की एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो जाता है। मर्डर हो गया। इंस्पेक्टर गणपत क्राइम सीन पर पहुंचकर तीन सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। अच्छा। पहला आदमी कहता है कि वो बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, उसे कुछ नहीं पता है। दूसरा आदमी कहता है कि वो 10 मिनट पहले ही गार्ड से मिला था, उसने बात की और फिर वो फ्लैट में चले गया। मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। तीसरा आदमी कहता है कि वो तो सुबह से नीचे ही नहीं आया, जैसे ही उसे मर्डर की खबर मिली तब वो नीचे आया। तीनों की बातें सुनने के बाद गणपत तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? चलो जी, अब हमारा काम इसको बताना। हम डिटेक्टिव है ना, हम बताएंगे, देखते कौन झूठ बोल रहे हैं। जो पहले वाला वो स्विमिंग कर रहा था, दूसरा वाला 10 मिनट पहले मिला है, तीसरा वाला सुबह से नीचे आया नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, बॉडी जो है, बॉडी को देख के सब पता चला है। तो बॉडी पड़ी है, बॉडी के पास ये क्या चल रहे हैं? अच्छा, कीड़े वगैरह चल रहे हैं। तो एक मिनट, दूसरे ने बोला है मैं 10 मिनट पहले मिला उससे, सिक्योरिटी गार्ड से। अगर 10 मिनट पहले मिला है तो उसकी बॉडी में तो खून लगा हुआ है, तो खून तब लगता है, जमा हुआ है। खून तब जमता है जब ज़्यादातर पुरानी बॉडी हो या खून पुराना पड़ा हुआ। तो ये बॉडी को मेरे ख्याल से ना काफ़ी टाइम हो गया मेरे में। तो दूसरा नंबर झूठ बोल रहा है। मेरा जवाब तो दूसरा नंबर है, आपका क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताएं मुझे। देखा, दूसरा नंबर, दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी को ध्यान से देखिए, पूरा ब्लड क्लॉट हो चुका है और चीटियां भी लग गई हैं। इसका मतलब बॉडी कई घंटों से यहीं पड़ी हुई है। फिर भला दूसरे नंबर वाला आदमी 10 मिनट पहले सिक्योरिटी गार्ड से बात करके कैसे जा सकता है? थप्पड़ मारता है और पूछताछ करता है। दो आदमी बताता है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ स्मगलिंग का सामान लेकर रात को यहाँ आया था, लेकिन गार्ड ने उसे देख लिया, इसलिए उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर गार्ड का मर्डर कर दिया। गणपत तुरंत उस कुनी के फ्रेंड को पकड़ने के लिए ऊपर वाले फ्लैट में जाता है। कुनी का फ्रेंड फ्लैट में छुपा हुआ था। इंस्पेक्टर गणपत गेट ओपन करते से समझ जाता है कि कुनी कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल ये छुपा हुआ है, ये सामने डोर के सामने ये नजर आ रही है। रूम के अंदर राइट साइड में बल्ब लगा हुआ है और ठीक लेफ्ट साइड में एक रॉड की शैडो बन रही है। इसका मतलब कुनी का फ्रेंड गेट के ऊपर रॉड लेकर बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर गणपत अंदर कदम रखता है और फिर वापस तुरंत पीछे हो जाता है। अटैक करने के चक्कर में कुनी का फ्रेंड नीचे गिर जाता है और गणपत उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक बहुत बड़े चोर का पीछा कर रही थी। पुलिस उस चोर का फोटो लेने का ट्राई करती है जिसे क्रिमिनल रिकॉर्ड में अपडेट किया जा सके, लेकिन तभी अचानक इंस्पेक्टर गिर जाता है। अब फोटो में चोर का चेहरा तो नहीं आता, लेकिन उसके कपड़े आ जाते हैं। इंस्पेक्टर उठता है और वापस चोर का पीछा करता है। कोइंसिडेंस से आगे वाली दुकान पर मेहुल जूस पी रहा था। मेहुल स्लाइड करते हुए चोर के पैर पे किक मारता है। चोर पकड़ा जाता है। पक्का इंस्पेक्टर यही चोर है? फिर पुलिस मेहुल को उस चोर के बारे में बताती है और उसका लेटेस्ट फोटो भी दिखाती है। अब फोटो में चोर का चेहरा तो नहीं, लेकिन ड्रेस सेम था। लेकिन फोटो देखने के बाद मेहुल को डाउट होता है कि शायद ये वो चोर नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को डाउट क्यों होता है? सोचिए। चोर ये नहीं है, शर्ट भी सेम है, पैंट भी सेम है। अच्छा, शूज जो है ना चेंज है इसके, वो लाल है, ये इसके वाइट ग्रे है, तभी इसको लगा ये नहीं है, क्योंकि भागते वक्त के साथ चेंज कर सकते एकदम से, इसलिए रॉन्ग है। भागने से पहले पुलिस ने चोर की जो फोटो ली थी उसमें उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन शूज दिख रहे थे। अब इन दोनों पिक्चर्स में शूज अलग है। अब भागते भागते शू कैसे चेंज हो सकते हैं? मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। पूछताछ करने पे वो आदमी बताता है कि उसे 10 लाख रुपए दिए गए थे सब्स्टिट्यूट होने के लिए। असली चोर तो पीछे वाली गली में छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत उस गली में जाता है और चोर को सर्च करने लगता है। वहाँ पर मेहुल को तीन लोगों पर डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं इन तीनों में कौन वो चोर हो सकता है? सोचिए।
अच्छा जी, चोर कौन सा है? ए नंबर नहीं, बी नहीं, सी। अच्छा, शू से पता चला था ना, शू से देखते इसके। ए की भी नहीं है, बी। हाँ ये बी है, बी बी, मेरा जवाब बी है। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कौन कौन है। तीनों में दूसरे वाले आदमी को ध्यान से देखिए, वो बनियान में है, लेकिन उसके शूज और पैंट देखिए एकदम वैसे ही है जैसे चोर के थे। मतलब उसने टी शर्ट उतार दिया जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाए और उसे पकड़ ना सके। लेकिन मेहुल तो सुपर डिटेक्टिव है, ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया का एक पड़ोसी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कश्मीर जाता है। वो वापस आते ही आलिया को कश्मीर की 3 फोटो दिखाता है जो उसने खुद क्लिक की थी। लेकिन फोटो देखते ही आलिया समझ जाती है कि उसका पड़ोसी उसे उल्लू बना रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, आलिया को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। कश्मीर गया, पिक बनाई है और उसको पता चला उल्लू बना रहा है। कैसे बना रहा है चेक करते हैं। बर्फ है, ट्री है। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा सोचते हैं, ठंडे इलाके में गया है तो हाफ टी शर्ट पहन के गया है, ये कैसे हो सकता है? यही जवाब है इसका, टी शर्ट इसने ऑफ पहनी हुई है। इस साइड वाले ट्री में देखिए सारे एप्पल्स उल्टे लटक रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? मतलब फोटो एडिट किया हुआ है। आलिया का पड़ोसी आलिया को इंप्रेस करने का ट्राई कर रहा था। आलिया उसे एक टपकी देकर वहां से निकल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। होटल में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक रूम नंबर 23 से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मैनेजर रूम ओपन करके देखता है तो शशांक मर चुका था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, इसका मतलब किसी ने उसे पॉइजन दिया है। मरने से पहले शशांक के कमरे में एक वेटर गया था। मैनेजर वेटर से पूछताछ करता है तो वेटर कहता है, सर मैं ग्रीन टी लेकर अंदर गया था लेकिन उन्होंने वापस भिजवा दिया। मैनेजर सीसीटीवी कैमरे में वेटर के अंदर जाने और बाहर की फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि वेटर झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मैनेजर को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। अच्छा, क्यों लगा इसको? अब मैं बताता हूँ कि झूठ बोल रहा सच बोल रहा है। पहले में गया है, गिलास था, कप था और एक पैकेट था, टी पैक था। वापसी में गया है, कप है, टी पैक है। नहीं ये भी थोड़ी मुश्किल, इसकी समझ नहीं आ रही। देखते हैं क्या जवाब है इसका, मुझे भी समझ नहीं आ रही इसकी तो। अच्छा, ध्यान से देखिए वेटर की ट्रे में ग्रीन टी का ग्लास रूम में जाने से पहले थोड़ा खाली था लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है और कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इसका मतलब इसी में पॉइजन होगा। शशांक ने ग्रीन टी पी ली होगी और खुद को बचाने के लिए वेटर ने वापस ग्लास भर दिया, लेकिन उससे छोटी सी गलती हो गई, ग्लास ज्यादा भर दिया और कलर हल्का सा चेंज हो गया। मैनेजर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, तभी एक चोर पार्टी से एक लेडी का मोबाइल चुरा कर भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करते करते एक कॉलोनी तक पहुंच जाती है। पुलिस को कॉलोनी में 3 घरों पर डाउट आता है। पुलिस एक एक करके तीनों घरों का दरवाजा नॉक करती है। पहला आदमी कहता है, मैं तो सुबह से अकेले घर पे हूँ और टीवी देख रहा हूँ और पार्टी कर रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस से घर आया था और अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर पार्टी मना रहा हूँ। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो घर में अकेला ही रहता हूँ और मुझे पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस तीनों सस्पेक्ट के घरों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अच्छा, पहला वाला पिक में देखते हैं। सुबह से गया नहीं कह रहा, घर में पार्टी कर रहा है। दूसरा भी घर में है, तीसरा भी, वो निकलता ही नहीं है। एक मिनट, जो पहली पिक है उसके पैंट पे मिट्टी लगी हुई है, ये पहला ही है, पहला। अगर घर में तो कपड़े कैसे गंदे हो गए इसके। पहला ही है मेरा जवाब, पहला है इसका। आप लोगों को क्या? पहला आदमी झूठ बोल रहा है। अगर सुबह से अकेले वो घर पे टीवी देख रहा था, पार्टी कर रहा था, तो उसके शूज इतने गंदे क्यों है और उसकी पैंट इतनी गंदी क्यों है? कोई अगर सुबह से घर पे है तो इतने गंदे पैंट और शू नहीं हो सकते, वो भी कीचड़ में। मतलब ये जरूर अभी अभी बाहर से अंदर आया है, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मोबाइल चुराया है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और सारे लोग क्लब में डांस कर रहे थे। आलिया भी अपने डांस मूव दिखा रही थी। तभी अचानक लाइट चले जाती है और कोई आलिया का बैग चोरी कर लेता है। अगले 5 सेकंड बाद जब लाइट आती है तो आलिया पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखती है।
उसे तीन लोगों पे डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं इन तीनों में कौन हो सकता है जिसने आलिया का बैग चुराया है? सोचिए सोचिए। अच्छा पहली की पिक है जब लाइट ऑन थी, पहला भी सही है, नहीं पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद लाइट के ऑन होने के बाद पहला दूसरा तीनों सेम ही है, तो किसका पता चला किसने चोरी किया है बैग? अच्छा अच्छा ये पहला पहला पहली पिक में उसकी जैकेट बंद है और जब लाइट ऑन हुई है बैग चोरी हुआ है तो उसकी जैकेट बंद हो गई है। पहली में जैकेट खुली हुई है इसकी और बाद में जैकेट बंद हो गई है, ये पहला वाला, ये पहला चोर है, कंफर्म पहला चोर है। पहले वाले आदमी को ध्यान से देखिए, लाइट जाने से पहले उसने अपने जैकेट की फ्रंट चेन पूरी खोल रखी थी, लेकिन अभी जैकेट बंद है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। आलिया सीधा जाती है और उसका जैकेट फाड़ देती है तो अंदर से उसका बैग बाहर निकलता है। आलिया उसे जोरदार मुक्का मारती है और अपना बैग उठा लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डॉक्टर संजना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने न्यूयॉर्क जाती है। जिस जगह डॉक्टर संजना पार्टी कर रही थी वहाँ पे बहुत बर्फ गिर रही थी। डॉक्टर संजना जैसे ही पीछे देखती है तो उनका पर्स गायब हो गया था। संजना ने थोड़ी देर पहले ही एक सेल्फी ली थी। वो अपनी सेल्फी को ध्यान से देखती है तो उसे एक चीज पर डाउट होता है। किस चीज पे? लॉजिकल आर्मी ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। अच्छा पहले पर्स उसने कहा टेबल पे, दूसरे पे नहीं है, इसका जवाब आप जब उसने सेल्फी ली थी मैं नहीं दूंगा तो पीछे बिल्कुल, ये आपने कमेंट करके मुझे जवाब देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो लाल बटन है ना इस चैनल को इसको दबा के जाना आपने हर हालत में। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुझे सब्सक्राइब चाहिए, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे मैं उतना ही आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो अभी क्या सोच रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गुड बाय बाय बाय।